खबर यूपी के शामली से, जहां पुलिस ने अवैध शराब तस्कर गिरफ्तार किया है। वहीं इस दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब भी बरामद की है। आपको बता दें कि पुलिस ने इस कार्रवाई को मुखबिर की सूचना के आधार पर अंजाम दिया। ये शामली पुलिस को सफलता मिली है, जिसमें थाना झिंझाना की पुलिस ने कल शाम चेकिंग के दौरान एक 10 टायरा ट्रक आते हुए देखा और मुखबिर की सटीक सूचना थी, उसके आधार पर इस ट्रक को हिरासत में लिया गया। जांच पड़ताल की गई तो चालक सरबजीत सिंह, जो आपके सामने है, उसको हिरासत में लिया गया और पूरे ट्रक की तलाशी ली गई तो पता चला कि अंडों के क्रेट्स में, अंडों के गत्तों में उसका झांसा दे करके उसके अंदर अंग्रेज़ी शराब छुपाई गई थी। यह अंग्रेज़ी शराब करीब करीब 7,200 लीटर की मात्रा में है और इसमें बाजार की कीमत आंकी गई तो 32 लाख से ऊपर कीमत की ये शराब आंकी गई है। तो इस शातिर अभियुक्त को, जो कि ट्रक का मालिक भी है और चालक भी है, उसको गिरफ्तार करके और 32 लाख से ऊपर की शराब हमारी शामली पुलिस ने बरामद किया है। आज इसको जेल भेजा जा रहा है। यह शराब अम्बाला से, जैसा कि डेटा हमारे पास है, अम्बाला से लोड होकर के मुजफ्फरपुर बिहार, जहाँ पर शराबबंदी लागू है, वहाँ पे भारी दामों पर बेचने के लिए ये ले जाई जा रही थी। अभी तक यही चीज़ सामने आई है और इसको जेल भेजा जा रहा है। बाकी जो सूचनाएं मिली हैं उस पर इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश किया जाएगा और जो शराब का मालिक है और जो तस्कर इसके और पीछे होंगे उनको शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। सर, हमने अपनी टीम को 10,000 रुपये का इनाम दिया है। सर, इसमें जहाँ से लोड हुई है उसकी जगह का पता है कुछ, कहाँ से लोड? अम्बाला से लिखा हुआ है। उस मालिक का पता है सर? मालिक का नाम आ गया है, मोबाइल नंबर आ गया है, उसी आधार पर फिर आगे की गिरफ्तारियाँ होंगी।